फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुवेनिरा। आज मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी आप लोग को बेबी फ्रॉक कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लाउज का पीस ली हूँ। देखिए, ये ब्लाउज का पीस है। इसको मैं उल्टा सा निशान लगा दी हूँ चौक से। अब इसको फोर फोल्ड में फोल्ड करके मैं फ्रॉक कटिंग करूंगी। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी, फोर फोल्ड में फोल्ड करें, इसे फ्रॉक बनेगा। नीचे वाला घेर अलग और ऊपर वाला अलग। तो उसके लिए मैं पहले ऊपर वाला का कटिंग करूंगी। उसकी लंबाई लूंगी मैं 1 इंच। पौने दो इंच का इसका नेक ली हूँ। कंधा लूंगे गाइस, टोटल मिला के गए 4.5 इंच मैं नेक के लिए 4.5 इंच और नेक के लंबा नेक रहेगा आपका 2 इंच का और उसकी लंबाई रहेगा 3 इंच। कंधा मैं ले ली हूँ 2.5 इंच। निशान लगा दूंगे, यहाँ से फोनी कंधा और गला दोनों मिला के हुआ 4.5 इंच। यहाँ से भी मैं 4.5 इंच, इधर से इस साइड से भी मैं लंबाई में 4.5 इंच कर लूंगी। सीना है आपका 10.5 इंच का, उसके लिए मैं 5.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूंगी। कमर है 11 इंच, उसके लिए 5.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 1 इंच का मार्जिन लूंगी। अब इसको इस निशान से मिला दूंगी। अब मैं इसका कटिंग कर लूंगी। मेरे कटिंग हो गया है ऊपर का पार्ट। अब सामने वाला पार्ट मैं ऐसे ही रहने दूंगी। पीछे वाला पार्ट में यहाँ बैक साइड में मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, लगा के इसके बीचों बीच कटिंग लगा दूंगी। अब मैं नीचे वाले पार्ट का कटिंग करूंगी। उसके लिए मैं कपड़े को फोर फोल्ड में फोल्ड कर लूंगी। यहाँ से मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 3.25 इंच पे गोलाई लगाऊंगी, 3.25 इंच करके। फिर यहाँ से 13 इंच की लंबाई लूंगी, ऊपर से 16 इंच ऐसे गोल घुमाते हुए 16 इंच की गोलाई लगाऊंगी। फिर इसका कटिंग कर लूंगी। देख सकते हैं कितना खूबसूरत। अब बैक साइड में मैं 2 इंच पे कटिंग लगाई हूँ। उसके लिए पट्टी लगा, यहाँ पे हुक लगेगा उसके लिए। अब मैं तिरछा पट्टी कटिंग कर लूंगी चुन्नट डालने के लिए, सीधा पट्टी, और गले में काखी में लगाने के लिए तिरछा पट्टी कटिंग कर ली हूँ।